दोस्तों नमस्कार, मेरे एक मित्र एक फैन कर्नाटक के यूट्यूब से विनय कुमार अरावल्ले जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझे, तो उनका धन्यवाद। इंजीनियर साहब आपका थैंक यू। और उन्होंने कहा कि अगर आपके सामने अचानक से कल की अवतार जी आ जाएं तो आप क्या पूछोगे उनसे, आपके भाव कैसे होंगे। तो मैं पहले उनको ये कह दूं कि बिना उनकी मर्जी के हम उन्हें पहचान नहीं सकते, बिना किसी की मर्जी के हम किसी से मिल नहीं सकते। नॉर्मल स्थिति में भी आप मिल सकते हो बिना मेरी मर्जी के, किसी के बिना क्या मैं मिल सकता आपके बिना मर्जी के। यानी कि अगर हम किसी से मिलना चाहेंगे पहले उसकी मर्जी पूछेंगे, और वो तो भगवान है, अवतार है। हम अपने अंतरी जी, मंत्री जी, किसी विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। उनके मिलने का प्रोटोकॉल होता है, उनसे कभी ये भी नहीं कह सकते आपसे अकेले मिलना। अकेले मिलने का मतलब भी उनकी प्रोटोकॉल होगा। अगर वही हमसे मिलना चाहेंगे तो भी वो एक छुपे हुए प्रोटोकॉल में होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से वो उनका प्रोटोकॉल है। ऐसे ही ईश्वर से, अवतार से तो साधारण स्थिति में तो मिला ही नहीं जा सकता। याद होगा आपको, अर्जुन ने जो विराट रूप वाली बात कही थी वो थी कि उनका वो रूप भाई आप दिखाओ तो सही, आप भगवान हो, आपका क्या रूप है वो। तो उसके लिए भी दिव्य दृष्टि के लिए कहा था, आपको दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी अर्जुन मुझे, तब आप देख पाओगे मुझे। तो दिव्य दृष्टि का मतलब, जैसे अगर हम अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो वो प्रोटोकॉल की इजाजत लेनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, तभी तो उनके नजदीक भी जा पाएंगे। तो एक प्रोटोकॉल यहाँ के लोगों के लिए प्रोटोकॉल है और वहां के लिए दिव्य दृष्टि है। तो मुझे दिव्य दृष्टि वाली बात है, अगर वो खुद ही चाहेंगे तो ही मिल सकते हैं ना। तो एक कल्पना कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं कि अगर खुद ही उन्होंने चाहा और कहा देव मैं हूं विष्णु का नया अवतार कल की अवतार, अगर उन्होंने ऐसे कह दिया कि साधारण जैसे ये खड़े मेरे बराबर में, तो मैं इतना भक्त हूं कल की का, इतने वीडियो बना दिए, इतने आप लोग सब जान गए, लाखों लोग मुझे, तो मैं बहुत देर तक तो मैं, हो सकता है उनका प्रभाव ऐसे पड़े जैसे मैं आंखें चुंडी आ जाए मेरी, या मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकले, या मैं बेहोश हो जाऊं, या कुछ बोल ही, मतलब कुछ सोच ही ना पाऊं, मैं उन्हें देखता रह जाऊं और उनमें इतना तेज हो कि मैं कुछ से कुछ कहने लग जाऊं। और अगर आप ये कहोगे नहीं वो सब जादू कर देंगे आप पे कि आप नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल रिएक्शन करोगे, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो शायद मैं से बोलूं त्रेता में जो थे वो राम, वो आप ही थे, आप ही विष्णु के अवतार, आप विष्णु जी हैं, जो जो सीतापति थे, जो लव कुश के पापा थे, जो भरत लखन के भैया थे, वो आप ही थे। और वो जो 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 द्वापर में जब आए थे, जो जिनकी राधा जी दीवानी थी, वो कन्हैया थे, वो भी आप ही थे। वो मैं ऐसे निरुत्तर हो जाऊंगा कि मैं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप विष्णु के अवतार कल के अवतार। अब ऐसा हकीकत में ऐसा ही होगा, आप किसी के सामने देख लेना अगर आ जाए तो। आज तो अभी बस इतना ही, अगर आपको कुछ पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, आप कुछ बोलिए, अच्छे मेरा कैसा लगा आपको बताने का तरीका, आप इधर आइए, इधर आकर बोलिए। मैं भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया था कि शायद हकीकत में ही ऐसा होगा, अगर हमारे सामने कभी आए, हमारी खुशकिस्मत ही हुई कि भगवान, क्योंकि पता नहीं कितने करोड़ों की जनसंख्या में लोग हैं, पता नहीं ऐसा कौन खुश किस्मत होगा कि जिसके सामने भगवान आएंगे। पहली बात तो इंसान यही सोचता रहेगा कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जो हमारे सामने आ गए लाखों करोड़ों रुपयों में, हम एक हैं, कि हमारे हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। इंसान भगवान मतलब हमें ऊपर वाले ने खुद इसीलिए भेजा धरती पे कि भाई हाँ, कि एक ये मान लो कि हम भी उनके पद के बराबर ही है अगर हमारे दर्शन हो जाए उनसे। आपको एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि कलयुग में अगर वो सच में भी आ जाए तो ये कलयुग है, वो कहते भी रहेंगे ना कि मैं कल की विश्वास नहीं करेगा ना, वो कहेंगे देख भगवानों की मजाक उड़ा रहा है, और वो ऐसा करके हंस के चले जाएंगे। चलिए आप एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा।